आप अपने साथ बिल में लेके गया था, तेरे पास कहां से आया? लगता है इच्छा ही कोबरा बनकर आई थी उसकी गलती सुधारने। अरे दादी, ये मोजा हाथ में लेके क्यों खड़ी है? इसे पूछती क्यों ना है कहां से लेकर आई? अरे मैं भी तो यही पूछ रही हूँ कि मोजा तेरे पास आया कहां से? दादी, दादी ये मोजा तो वहां पड़ा था। ओहो नो, ये मोजा उड़कर इच्छा के ऊपर आ गिरा होगा। हाँ, काश हमारे घर में और चीजें भी उड़ सकती। अरे भाई उड़ना बंद कर, बैठ जा। अरे चुप करो, थोड़ी देर के लिए मैं भी तुम लोगों के साथ बावली हो गई थी। बबल जी, खजाना लेके मेरे कमरे में आ, ले ले मोजा कर, मजा कर, बिल की टेंशन ना है। ए, बिल की टेंशन क्यों नहीं है? सांप तो भी अंदर है, सांप तो भी बाहर आ सकता है। ये मैं खाने के बिल की बात कर रहा हूँ, ये खजाना जो अपने पास। अरे तू मिल तो सही, तुझे ऐसी बात बताऊंगा कि तू पागल हो जाएगी। हाँ, वैसी थोड़ी पागल तो तू पहले से ही है। पता नहीं किस कलमोही से बात कर रहे हैं बबल जी। हेलो हेलो, अरे खराब कैसे हो गया? यहाँ क्या कर रही हो? किससे बात कर रहे थे? बहुत ही खुश लग रहे थे। अपने बचपन की दोस्त से? दोस्त क्या, बहन ने मेरी राखी बांधती है मुझे। हे नागोमी देव, ये क्या हो गया मुझसे? ये तो भाई बहन निकले। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें अपने बचपन के दोस्त याद आ गए? दोस्त, बचपन, क्या हुआ सुपड़ा? तो उदास क्यों है? पिताजी ने मारा। क्यों? उन्होंने कहा कि मुझे सांप बन के दिखा, पर मुझे वो अदला बदली वाला मंत्र याद ही नहीं हो पाता, इसके लिए मैं नहीं बन पाया। तो उन्होंने गुस्से में कहा कि मुझे पिताजी मत बुलाना। तो तूने क्या कहा? मैंने सिर्फ यही कहा कि ठीक है टिल्लू, नहीं बुलाऊंगा पिताजी। चल कोई नहीं, मैं तुझे सिखाऊंगी कैसे सांप बनते हैं। ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे, अब ऐसे करो। ज्यादा मत सोचो, तुम्हें खुद के बारे में तो कुछ याद नहीं, बचपन के बारे में क्या याद होगा? पिताजी! अरे सुपड़ा तू! पिताजी! अरे सपोले, इतने दिन तू कहाँ था? बस गुरुजी, ट्रैवलिंग में रहा। ट्रैवलिंग? अरे अब तक हमने स्टर्लिंग पुलिंग सुना था, ये ट्रैवलिंग क्या है? नए किस्म का घर है क्या? ट्रैवलिंग मतलब घूम रहा था। अरे बेटा घूमना ही था तो इधर नागिस्तान में घूम लेते, इतने साल अपने माता पिता से दूर रहने की क्या जरूरत थी? अरे कुछ सपेरे उठाकर मुझे इंसानी बस्ती में ले गए थे, वहां हर रोज मुझे कहीं ना कहीं ले जाते, बीन बजा के मेरा सर घुमाते और पैसे कमाते। फिर तो तू उनकी कमाई का साधन था ना? इंसान! रुकिया जी,
शाम शाम जो भी हो पर उन लोगों ने तुम्हारा ध्यान तो रखा ना। नहीं, इंसान बहुत सेल्फिश है, वेरी सेल्फिश। जो भी हो सपोले, पर आज तक तूने अपना फिस-फिस करना तो नहीं भूला ना? अरे फिस-फिस नहीं, सेल्फिश मतलब ही है इंसान। अरे मैं भी तो इनको कब से यही समझा रही हूँ कि इंसानों को प्यार से समझाने का मतलब है अपने फन पे नेवरी का मुंह मारना। लेकिन ये तो समझने कहाँ है, बात ही नहीं सुनते मेरी। इच्छा को भेज दिया वहाँ पे। क्या, इच्छु को इंसानी बस्ती में भेज दिया? हाँ। क्यों? अरे आप लोग जानते नहीं इंसान कैसे होते हैं। 10 साल उनके पिटारे में बंद रहा हूँ। इच्छु को अब मुझे ही वापस लाना पड़ेगा, कैसे भी। दादी जी, नगीना आ रही है। कौन से चैनल पे आ रही है नगीना? अरे बावले, तेरी मंगेतर नगीना आ रही है। दादी टीवी चलाने की जरूरत ना है, ये इसकी मंगेतर नगीना की बात कर रही है। अरे छोरा, मैं भी तो वही कह रही हूँ, इसकी मंगेतर नगीना आ रही है। चलो चलो, उसके आने की तैयारी करते। बबल जी, सबल भैया कितना शर्मा रहे थे ना। बहुत शर्मीले है सबल भैया। आप ऐसे कभी शर्माए हैं? उसके लिए मंगेतर भी तो होनी चाहिए ना। मैं हूं ना। मेरा मतलब है, थोड़ी देर के लिए मुझे समझ लीजिए। एक बार शर्मा के दिखाइए ना। ये क्या तमाशा है क्या? जब तुम कहोगी दिखा दूंगा। दिल में जब फीलिंग हो ना, तभी वो शर्म का इफेक्ट बाहर निकलता है। जी ने एक बार शर्माने का अभ्यास। तुम मेरी मंगेतर नहीं हो। तो हम आपके हैं कौन? तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम कौन हो, मैं क्या बताऊं? हेलो हेलो, अरे जोर से बोलो। इससे ज्यादा मीठा नहीं खा सकती। वो क्या है ना, शुगर अगर ज्यादा खा लो ना तो फिगर खराब हो जाता है। अम्मा जी, आज इसने खाने को मना कर दिया, कल ये नहाने से मना कर देगी और परसों शादी से भी मना कर देगी। मेरा छोरा तो बिन बिहाई रह जाएगा अम्मा जी। इससे बात क्या ठुकवा लो। चुप कर। चल छोरी अंदर आ। आओ। हाँ, आज आजा आजा। बबल जी, इसके कमर में दर्द है क्या? ऐसी टेढ़ी मेढ़ी क्यों चल रही है? लड़कियों की ऐसी चाल लड़कों को अच्छी लगती है। एक्सक्यूज मी, ये टेढ़ी मेढ़ी चाल नहीं, स्टाइल है, नगीना का स्टाइल। जमाने के साथ चलती हूँ मैं। अच्छा,
आजकल जमानत नल हिला कर चल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे तुम कौन हो? इस घर में पहली बार देखा है मैंने। जी पता नहीं, ये छोरी की याददाश्त चली गई है, इसे हम लोग इच्छा करके पुकारते हैं। दादी इस नगीना से क्या छुपाना कि इसकी याददाश्त चली गई है, इसीलिए हमने इसे घर में रखा हुआ है। अरे भैया दादी भी वही कह रही थी। अच्छा, मैंने क्यों नहीं सुना। हाय, मेरा नाम नगीना। नगीना, इंसानों में भी ऐसे नाम होता है? वो कहना उनके माता और पिता ने नगीना फिल्म देख ली थी, उसके बाद उन्हें नागिन और नगीनों से बहुत प्यार हो गया, इसलिए इनका नाम नगीना रख दिया। हाँ, आप लोगों ने तुम पर फिल्म भी बना दी थी। इसका मतलब है कि कल से इच्छा नहीं नागों के बारे में बात करते करते सबको उन पे विश्वास ही होने लगा है ना दादी? सबर, तू यही खड़े खड़े शर्माता रहेगा क्या? आके नगीना से बात तो कर। शर्म आ गया, आजा अंदर आ। इच्छा, तुम तो एकदम सांप जैसे जल रही हो। सांप की तरह नहीं, नगीना की तरह। सांप तो ऐसे चलते हैं। अरे इच्छा इच्छा इच्छा, नीचे उतरो, मुझे गुदगुदी हो रही है। मैं भी आया। ये इच्छा को चाचू को देखकर क्या हो जाता है? क्या है? स्टाइल, वही वाली चाल जो लड़कों को अच्छी लगती है। मैं अभी आया। क्या कर रही थी बताता। इच्छू, ऐसे तो मेरा दोस्त सुप्रा बुलाता था मुझे, यानी वो यहीं कहीं है। इच्छू, इच्छू, सुप्रा तू? कहाँ रह गया था तू सुप्रा? बहुत लंबी कहानी है। पूरी मत सुना, लेकिन ये तो पता, तू था कहाँ इतने साल? सपेरों के पास था। अब मैं वापस आ गया हूँ, अब तू भी चल नागिस्तान अभी। नहीं सुपड़ा, मैं अभी नागिस्तान नहीं जा सकती, मैं एक अभियान पर आई हूँ। इच्छु देख, मैं कह रहा हूँ तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। सुपड़ा, मेरी फुंकार को समझ, मैं अपना अभियान पूरा किए बिना नागिस्तान नहीं जाऊंगी। मेरे फुंकारने पे भी नहीं चलेगी, चलना इच्छु। अरे इच्छा, सुप्रा अभी तू जा यहाँ से, मैं तुझे मिलने आऊंगी पक्का। तू जा यहाँ से, तुझे मेरी दोस्ती की कसम है। बस दे दी ना कसम, ठीक है मैं जाता हूँ।
अंशु अब मैं तुझे नहीं बुलाऊंगा, अब ये इंसान ही तुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे। लेकिन दादी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसे कैसे किसी अनजान लड़की को अपने घर में रख सकते हो? अरे तो क्या अब उससे हम मेरा मतलब है कि अब हम उससे किराया मांगे और वैसे भी वो किराया दे कैसे पाएगी? वो पैर लग रहा है तुम्हारा। याद आया, हाँ ऐसे तो उस पर किराया चढ़ता ही जाएगा ना। अम्मा जी ये तो बड़ी गलत बात है, आज उस लड़की के सर पे कर्जा हो जाएगा, कल वो उस कर्जे को उतारने के लिए वो चोरी करेगी और परसों वो किसी की डकैती भी करेगी और फिर किसी का खून। अम्मा जी ये लड़की तो बड़ी खतरनाक लागे से। अरे माँ तू अब तक न समझे, तू बात तो ठोकना जाने। चुप कर, ना मांग रही उसे किराया। वो क्या हुआ था कि वो बबल की फटपटी से टकरा गई थी, याददाश्त चली गई बेचारी की, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, इश्तेहार दिए, लेकिन अभी तक कोई ना आया उसे लेने, तब से वो यहीं रह रही है। लेकिन दादी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो लड़की याददाश्त गुम होने का नाटक कर रही हो। ना, छोरी की याददाश्त सच में ना है, डॉक्टर को दिखाया, उसने लट्टू घुमाया और हाथ खड़े कर दिए। वैसे बहुत प्यारी लड़की है। तुम्हारी तरह चूटी भी नहीं काटती मुझे। प्रबल भैया आप, हाँ, आप कुछ सोच रहे थे ना? मैं सोच रहा था कि यो बेचारी इच्छा कब से हमारे घर में रह रही है, कहीं से यो तो ना लग रहा कि यो हमारे पर बोझ है। अरे कहीं वो किराया देने की बात करे तो। लाल ये बात खत्म हो चुकी है। दादी सुनी ना मैंने तो। तू मेरी बात कहाँ सुनता है? नहीं ना बेटी, सच कह रही तू, ये छोरी कुछ गड़बड़ तो ना है, पर फिर भी मेरे रहते किसी को कोई चिंता ना है। और जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती उसका बाहर रहना भी सही नहीं है। ए छोरी बड़ी लंबी उम्र है तेरी, अभी सब तुझे याद कर रहे थे। अच्छा क्यों? यो बब्बल कह रहा तू चाय बहुत अच्छी बनावा है, जा बना के ला सबके लिए। हाँ जी अंकल अभी बना के लाती हूँ। सुन दूध सारा खत्म मत कर देना। दूध बहुत अच्छा लगता है इसे। सबसे अच्छी बात है इसकी, इसकी इच्छा हो ना हो लेकिन किसी भी काम को करने से मना नहीं करती है इच्छा। अब इच्छा अच्छी सी चाय बना दे हमें। जी दीदी। दूध बस ये दूध से चाय बनाना पड़ता है तो बड़ा जोर पड़ता है, दूध ही खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं इच्छा, अभियान है पूरा कर ले। और वैसे भी बब्बल जी को तेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। अप्पू जाके इच्छा को मेरे कमरे में भेज दे। दादी दो मिनट खेलने दीजिए ना। अरे मने बहुत जरूरी काम है, जा जल्दी जा। जी दादी। अरे इच्छा, इच्छा तुम्हें दादी ने बुलाया है। लेकिन अभी मैं चाय बना रही हूँ। अरे चलो। अरे छोड़ो, चलो ना जल्दी। अरे लेकिन दादी को काम क्या है? मुझे नहीं पता। अब देखता हूँ इच्छु, ये लोग तुम्हें कितनी देर और रखते हैं। ये जहर वाली चाय जब इंसानों के पेट में जाएगी, इच्छु सीधा नागिस्तान वापस आएगी। अगली बार तूने ऐसे मजाक किया है ना तो तू देखना। इच्छा मैं मजाक नहीं कर रहा, दादी मजाक कर रही थी, उन्होंने सच्ची में तुम्हें बुलाया था। तू जा खेल, मैं तुझे बढ़िया सी चाय पिलाती हूँ, जा जा। मुझे अभी भी शक है उस पर, बाकी आप लोगों की मर्जी। अरे छोरी तू बेकार में शक करी है उस पर। अच्छा ये सब छोड़, ये बता मेरे पास रुकेगी ना या हर बार की तरह कहेगी कि मैं सुबह में जा रही हूँ? नहीं दादी इस बार तो मैं रुकने वाली हूँ, मम्मी और पापा भी ना बुआ जी के घर गए हैं।
लीजिए आपकी चाय भी आ गई। सबसे पहले नगीना को दे चाय। पिताजी नगीना मेहमान है, सबसे पहले उसे चाय दो। अच्छा उसे देने के लिए कह रहे थे। ओ चलती भी ताकि मेरी इच्छु मेरे साथ चलती आए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, शक्कर ज्यादा तो नहीं डाली है ना इसमें? नहीं जी, आपने कहा था ना आते ही कि आपको मीठा ज्यादा पसंद नहीं। अरे बहुत समझदार है, जल्दी से चाय पियो और तुम ही कहोगी काफी सुघड़ है ये। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.